दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल तो आप देखते ही होंगे, और आज मैं आपको कुछ इस सीरियल में काम करने वाले कलाकारों के कुछ गंदी आदतों के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। और ये लोग अपनी आदतों को शूटिंग के दौरान भी करते हैं, जिससे सीरियल की शूटिंग में थोड़ा डिस्टरबेंस तो हो ही जाता है। हालांकि गंदी आदतें तो सबकी होती है, लेकिन अगर आदतें हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो इससे दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं तारक मेहता शो में काम करने वाले कुछ कलाकारों की आदतें कैसी और कितनी गंदी हैं। जो पहले नंबर पे आती हैं, वो है भिरे की पत्नी के रूप में काम कर रही माधवी भाभी, यानी कि सोनालिका जोशी। दोस्तों, आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। इसके पीछे एक कारण भी है कि सोनालिका जोशी को बहुत ही सिंपल लुकिंग वाला रोल निभाने को मिला है, जबकि ये असल जिंदगी में एकदम ही अलग हैं। दरअसल सोनालिका जोशी को सिगरेट पीने की आदत है। सोनालिका जोशी जी शूटिंग के दौरान भी एक दो सिगरेट जला ही लेती हैं। आप तो चौंक ही गए होंगे। दोस्तों, रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी अंतर होता है। अब जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, वो भले ही इस सीरियल में काम ना कर रहे हूँ, लेकिन इनकी एक्टिंग ने हमें खूब हंसाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शैलेश लोधा के बारे में। अब आपको इनको देख के लगता होगा कि इनकी आदतें कैसे गंदी हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी की गंदी आदतें होती है, और लोग असल जिंदगी में काफी अलग होते हैं। इनकी जो सबसे गंदी आदत है वो है शराब की लत। जी हाँ, लोधा जी शराब पीते हैं। ये कई बार शूटिंग के दौरान भी शराब पीते हैं, और इनका कहना है कि वो जब शराब पीकर सेट पर जाते हैं तो काफी अच्छे एक्टिंग कर पाते हैं। अब बात करते हैं जेठालाल के पिता का रोल निभाने वाले अमित भट्ट की। इनकी आदत को सुनकर आप एक ही बात कहेंगे, विश्वास नहीं होता। दोस्तों, अमित भट्ट जी को आदत है गुटखा खाने की। ये हमेशा गुटखे खाते हुए देखे गए हैं, और शूटिंग के दौरान भी आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि अभी अभी इन्होंने गुटखे को चबाया है। और इसके अलावा कई इंटरव्यू में भी इनको गुटखे चबाते हुए देखा गया है। इनको शूटिंग के दौरान तो गुटखे को खाने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन वो शूटिंग के ब्रेक में कभी कभी गुटखे खा ही लेते हैं। एक और कलाकार जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, वो अभी फिलहाल तारक मेहता के शो का हिस्सा नहीं है। वो है दया भाभी, यानी दिशा वकानी, जो कि जेठालाल की पत्नी का रोल निभाती हैं। इनकी भी एक गंदी आदत है। इनको मेकअप का इतना शौक है कि हमेशा शूटिंग के दौरान दिशा जी शूटिंग को रोककर अपने मेकअप में लग जाती थी, जिससे शूटिंग में काफी देरी हो जाती थी। लेकिन इनकी एक्टिंग ने हमें खूब हंसाया है। आपका क्या मानना है? अब ऐसे कलाकार के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे मोबाइल चलाने की आदत बहुत ही ज्यादा है, और वो है जेठालाल, यानी कि दिलीप जोशी। इन्हें मोबाइल चलाने की इतनी आदत है कि वो शूटिंग के दौरान भी अपना मोबाइल जेब में ही रखते हैं। मोबाइल में क्या इतना करते हैं वो किसी को नहीं पता। अब आते हैं बबीता जी, यानी कि मुनमुन दत्ता जी, जो कि अय्यर की पत्नी के रूप में नजर आती हैं। और इनकी जो गंदी आदत है वो है कि ये कुछ ज्यादा ही साफ सफाई के प्रति ध्यान देती हैं। दरअसल मुनमुन दत्ता जी जब शूटिंग के लिए आती हैं, तब इनको शूटिंग के दौरान सब कुछ व्यवस्थित ढंग से सजा सजाया मिलना चाहिए, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि शूटिंग के दौरान तो चीजें इधर उधर हो ही जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे एक अगली शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।